मैं अर्पित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डेली टेक रिपोर्ट के एक और फ्रेश एपिसोड में। और आज की टेक न्यूज कुछ इस तरह से शुरू होती है कि नोकिया का 8 जो है वो कल इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसमें खास फीचर्स स्नैपड्रैगन का 835 को दिया जाता है। बूथी कैमरा सिस्टम इसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप रियर और फ्रंट दोनों ही कैमराज को साथ में यूज़ कर पाएंगे यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव वगैरह के लिए। तो ये भी एक अच्छा फीचर होगा, देखते हैं। और यहाँ पे अगली खबर जो है काफ़ी कह सकते हैं फनी भी है और कुछ लोगों के लिए अच्छी भी हो सकती है कि यहाँ पे एक बेटी ने अपने बाप को बोला कि भाई हम मुझे आईफोन 8 चाहिए, और वो उनके पिताजी जो हैं वो चले गए सिंगापुर लाइन में लग करके 13-14 घंटे और अपनी बेटी के लिए आईफोन 8 लाए। तो भाई कुछ बेटी ऐसी है कि मतलब पिताजी को भले ही कितना कष्ट हो जाए मुझे आईफोन चाहिए तो चाहिए, धन्य है बाप और बेटी। और यहाँ पर जियोनी का GN5007 करके एक स्मार्टफोन लीक में निकल करके आ रहा है कि इसमें 5000 mAh की बैटरी हो सकती है। देखते हैं भाई मीडियाटेक का 6757 कुछ ऐसा दे देंगे लोग की। और यहाँ पे 16 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ माइक्रोमैक्स का सेल्फी 3 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया है। और कुछ स्पेसिफिकेशन मैं बताऊंगा नहीं, और आप इसे बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, रिकमेंडेड नहीं है। और यहाँ पे 15 दिनों में 60 लाख जियो फोन्स की डिलीवरी होगी, इस तरह की कुछ रिपोर्ट निकल करके आ रही है। तो भाई स्टार्ट तो करो, 60 लाख क्या मतलब 10 लाख भी करो, शुरू तो करो। तो देखते हैं कब से मिलना शुरू होता है। और यहाँ पे एयरटेल ने एक नया प्लान पेश कर दिया है, 4G भी यहाँ पे डेटा आपको दे रहा है ये 999 रुपये में, 2 मिनट का मौन एयरटेल कस्टमर्स के लिए। और यहाँ पे फेसबुक जो है वो टॉप 10 ग्लोबल ब्रांड्स में शामिल हो चुका है, और जिसमें यहाँ पे नंबर 1 में एप्पल बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है एप्पल के लिए। और यहाँ पे नोकिया 2 स्मार्टफोन बताया जा रहा था कि काफ़ी थर्ड क्लास स्पेसिफिकेशन पहले लीक होकर के आ रही थी, लेकिन अब जो इसकी एक लीक आ रही है उसमें पता चल रहा है कि 4000 mAh की बैटरी के साथ आ सकता है। तो अभी आने पर ही पता चलेगा कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। और यहाँ पे सैमसंग का गैलेक्सी X1 नाम का एक फ़ोन निकल करके लीक में आ रहा है, हो सकता है कि नोट सीरीज को ये लोग बंद करके और X सीरीज में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखते हैं भाई। और ये डिवाइस पोर्टेबल भी हो सकता है, यानी कि इसमें मॉड्स वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे 19 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ में सोनी का XZ1 लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में, और इसकी कीमत रखी गई है 45,000 रुपये। तो देख लीजिए, अगर आप सोनी के डाई हार्ट फैन हैं तो ही इसे आप खरीदिएगा, नहीं तो कोई चांस ही नहीं है। और यहाँ पे पैनासोनिक ने एक टफबुक नाम की अपनी लैपटॉप लॉन्च कर दी है, और इसमें सब कुछ तो ठीक है, मतलब ठीक ही होगा, यहाँ पे लैपटॉप और टैब दोनों का मज़ा मिलने वाला है। लेकिन प्राइजिंग जो इसकी रखी गई है वो रखी गई है 2,70,000 रुपये, यानी कि 2.75 लाख रुपये। पता नहीं कौन खरीदेगा, मुझे तो पता नहीं है। तो ये थी आज की टेक न्यूज़, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर भजन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए। बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।